नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल RBSC विद HSM में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा JEE एडवांस्ड 2020 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एडमिट कार्ड को किस प्रकार डाउनलोड करना है के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें नोटिस टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स में डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड, क्लिक हियर, क्लिक हियर पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। JEE एडवांस्ड 2020 कैंडिडेट पोर्टल, एंटर योर इन्फॉर्मेशन। यहाँ हम JEE एडवांस रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, यहाँ पर हम DOB सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंड यहाँ पर IAM नॉट ए रोबोट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का जो इंटरफेस है दिखाई देगा। DOB सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी DOB हो वो हम यहाँ आसानी से फिल कर सकते हैं और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। प्लीज़ एंटर योर JEE मैन 2020 एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ टू गेट द JEE एडवांस्ड 2020 रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ हम JEE मैंस एप्लीकेशन नंबर, यहाँ हम DOB और यहाँ पर IAM रोबोट पर क्लिक करेंगे। फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करूंगा कि ये जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इस डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंचकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।